सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 23 फीट बाई 30 फीट का एक हाउस प्लान। आप ही लोगों ने कमेंट किया था तो मैं ये प्लान लेके आया हूँ। आई होप आप सबको ये प्लान अच्छा लगेगा। गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं इसमें आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपके घर की कॉस्ट बहुत कम हो सकती है, मतलब आप लाखों रुपये बचा सकते हो अपने घर बनवाते समय। सो फर्स्ट है, आपका प्लॉट साइज स्क्वायर शेप में होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका लेबर कॉस्ट बचेगा। देखो, आपका प्लॉट साइज अगर तीछा है तो उसमें लेबर ज़्यादा टाइम लगेगी, इससे आपका लेबर कॉस्ट बचेगा अगर आपका प्लॉट साइज स्क्वायर शेप में रहेगा। सेकेंड, आपका ड्राइंग सिंपल होना चाहिए, जैसे कि एलिवेशन मतलब सिंपल होना चाहिए, एलिवेशन ऐसे लटका वटका नहीं होना चाहिए, सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, इससे आपका काफ़ी कॉस्ट बच सकता है। थर्ड जो है वो है, हम लोग जो फ्रेम यूज़ करते हैं जैसे कि विंडो में एंड डोर में, वो फ्रेम आपको MS फ्रेम का यूज़ करना है इंस्टीड ऑफ वुडन विंडो फ्रेम। इससे आपका बहुत पैसा बच जाएगा। जितने में आप वुडन फ्रेम खरीदोगे उतने के आधे में आपको MS फ्रेम मिल जाएगा, और ये भी इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होगा। उसके बाद से बात करें स्टील की, तो आप टाटा के बजाय आप ऐसे स्मॉल कंपनीज की स्टील यूज़ करो, जैसे कि जिंदल हो गया, कामधेनु हो गया, मगध हो गया, ये सब कंपनीज की आप स्टील यूज़ करो। इसमें आपको 20% तक मतलब इसमें आपके पैसे बच जाएंगे कंपेयर करें टाटा स्टील की। तो इन कंपनियों के भी स्टील काफ़ी अच्छे होते हैं। आप Fe 500 SD TMT वायर यूज़ करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें भी आपका सेफ्टी फैक्टर 2% मिलता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इतना काफ़ी है। और उसके बाद से बात करें फ्लोरिंग की, तो आप मार्बल के वजह टाइल का यूज़ करो, टाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी जो कि आपको मार्बल में नहीं मिलेगी। मार्बल का लेइंग कॉस्ट एंड मार्बल का कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए आप टाइल्स की तरफ देखो, टाइल्स काफ़ी अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा एंड इसका लेइंग कॉस्ट भी कम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चलो मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग का प्रोविज़न किया है, पार्किंग एरिया का प्रोविज़न किया है मैंने, जिसका साइज मैंने रखा है 11 feet 6 inch by 9 feet 6 inch का। उसके बाद से यहाँ पे मेन डोर आपका आएगा एंड दिस इज़ आवर स्टेयर कम ड्राइंग एरिया। काफ़ी अच्छा साइज इसका निकल के आया है, आपको अच्छा लगेगा इसका साइज। यहाँ से आपका स्टेयर अप, 3 feet वाइड स्टेयर मैंने रखा है, और इसका डायमेंशन मैंने रखा है 12 feet 6 inch by 14 feet 4 inch का। उसके बाद से यहाँ पे ओपन डोर आप रख सकते हो किचन का, एंड ये है अपना किचन जिसका साइज मैंने रखा है 8 feet by 7 feet का। उसके बाद से ये स्पेस भी आपका 7 feet का जो है वो, एंड ये है अपना कॉमन बाथ कम लेटरिन, इसका साइज मैंने रखा है 7 feet by 4 feet का, काफ़ी अच्छा साइज निकल के आया है। उसके बाद से यहाँ पे डोर एक, एंड दिस इज़ आवर बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 11 feet by 10 feet का। उसके बाद से एक यहाँ पे डोर एंड एंटर करेंगे तो अपना ये बेडरूम नंबर 2 जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet by 10 feet 6 inch का। एंड उसके बाद से मैंने ये विंडो एंड वेंटिलेशन पोजीशन मैंने शो कर दिया है आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो एंड अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद से देखिए, आपका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 10 to 12 lakhs, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। एंड उसके बाद कॉलम साइज आपका आएगा 10 into 12 inch का, एंड 60 mm का टोर आपको 4 number यूज़ करना है, 4 यूज़ करना है। वेंटिलेशन आपका 2 feet into 1 feet का रहेगा, विंडो साइज 3 feet into 4 feet, 3 feet into 5 feet, 4 feet into 5 feet, जो भी अच्छा लगे आप रख सकते हो। एंड विंडो साइज 3 feet 6 inch to 7 feet का, एंड टॉयलेट एंड किचन का डोर आप
टू फीट सिक्स इंच टू सेवन फीट का रख सकते हो। आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा एंड अच्छा वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में लाखों रुपये बचाएंगे।